छाता है पहले विवेक मर जाता है। यही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इमरान खान सरकार ने एक तरफ कुआं देखा और एक तरफ खाई, और खाई में छलांग लगा दी। सऊदी अरब के साथ दुश्मनी निभाने के चक्कर में ऐसा कुछ कर गए हैं इमरान खान, जिसे मूर्खतापूर्ण ही कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत अब रूस के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया को चौंकाने वाला है, और तुर्की को भारत के मामले में बोलना बहुत ही भारी पड़ गया। भारत की ईरान के साथ दोस्ती धीरे धीरे एक अलग ही दिशा में जा रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान जैसे उन देशों का जो चीन की चंगुल में फंस गए हैं, पाकिस्तान का तो बड़ा ही बुरा हाल है। पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया से दुश्मनी मोल लेने के लिए चीन का साथ लिया, और अब ऐसा काम किया है कि पाकिस्तान के एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। कुएं से बचने के लिए पाकिस्तान ने खाई में छलांग लगा दी है। बात दरअसल यह है कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को कर्ज दिया था, 1 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान ने लौटा दिया है, लेकिन उसकी कीमत उसे करीबन 7 बिलियन से चुकानी पड़ रही है, और वो भी चीन को। पाकिस्तान ने 1 बिलियन का लोन चीन से लिया और सऊदी अरब को दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? लोन लेकर लोन क्यों चुकाया? तो आपको बता दें, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, कि हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब से खफा बैठा है। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर मुद्दे को 57 देशों के मुखिया सऊदी अरब को अपने देशों के बीच उठानी चाहिए, लेकिन मुस्लिम देश के साथ साथ सऊदी अरब भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। इस वजह से झल्लाए हुए पाकिस्तान ने खाई को चुन लिया है, और खाई को चुनने के चक्कर में उसने चीन से लोन लेकर सऊदी अरब को वह लोन चुका दिया है। इसके बदले में चीन ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 6.8 बिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट का पाकिस्तान का। वैसे आपको बता दें, कुल 3 बिलियन का कर्ज लिया था सऊदी अरब से पाकिस्तान ने, और उसमें से सिर्फ 1 बिलियन ही चुकाया है। अभी बाकी 2 बिलियन के लिए पाकिस्तान का और क्या क्या बिकेगा वह आप देखते जाइए। कुछ समय बाद शायद पाकिस्तान पूरा का पूरा ही बिक जाए। जिस तरह की रणनीति वहां पर रणनीति बनाने वाले बना रहे हैं, या दूसरी शब्दों में ये कहे कि जिस तरह से चीन पाकिस्तान को चला रहा है, वह देखकर तो पूरा पूरा यही लग रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से गुलाम हो चुका है, और दूर की वह देख ही नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ भारत के नीति निर्माता उस दिशा में कदम रख रहे हैं जिस दिशा में भारत अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। भारत ने जो अब नया फैसला लिया है, उसे जानकर सबसे पहले चौंका है चीन, क्योंकि चीन को अपने ऊपर एक बड़ा खतरा दिखने लगा है। पहले तो भारत ने चीनी सामानों को बंद करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक उसके एप्लीकेशन को बंद करके तो और भी बड़े झटके दे दिए, और अब शाओमी फोन पर भी बड़ी कार्रवाई कर दी है। इन सब के बाद एक सेक्टर था जो बचा हुआ था, और वह था हथियारों का क्षेत्र। वहां भी भारत ने अब गजब ढा दिया है। और आपको बता दें, आजकल चीन बिल्कुल बौखलाया हुआ है। बौखलाने का कारण यह है कि चीन को लगता था कि भारत कभी भी उसके सामने उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। आज जो भारत हथियार ताने उसके सामने खड़ा है, वह भारत कभी चीन के मामले में अड़ंगा नहीं अड़ाता था, लेकिन आज भारत बिल्कुल ही अलग हो गया है। और आगे बढ़ते हुए भारत अब रूस के नक्शे कदम पर चलने की तरफ बढ़ चुका है। यह देखते हुए चीन ने सबसे पहले बयान दे दिया है, और चीन को बड़ी मिर्ची लगी है। बात दरअसल यह है कि भारत अब हथियारों के व्यापार में आना चाहता है। यही वजह है कि चीन को अब खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि भारत उन क्षेत्रों में अपने हथियारों को बेचने की सोच रहा है जहां चीन का साम्राज्य होता था। वैसे आपको बता दें, अफ्रीका और एशिया के कई ऐसे देश हैं जो कि रूस के बड़े महंगे हथियारों को खरीद नहीं सकते। ऐसे में वे चीन के हथियारों को खरीदते थे, लेकिन चीन के हथियार चीन के ही तरह डुप्लीकेट निकलते हैं और गंदी क्वालिटी के होते हैं। यह बात धीरे धीरे अफ्रीका के और एशिया के वे छोटे छोटे देश भी जान गए हैं।
यही वजह है कि उन्हें अब चीनी हथियार चाहिए नहीं और रूस के हथियार वो खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि वो काफी महंगे होते हैं। ऐसे में भारत को अब एक मौका दिखा है और भारत हथियारों के व्यापार में इन देशों में अपने हल्के हथियारों को बेचना चाहता है। यह बात जैसे ही चीन के कानों में पड़ी, चीन ने कहा कि भारत मुझे चुनौती देना चाहता है, लेकिन भारत के पास विनिर्माण केंद्र तो है ही नहीं, उस अनुपात में वह बना ही नहीं पाएगा हथियारों को। वैसे चीन को यह पहले ही समझ जाना चाहिए कि हाल के दिनों में भारत ने जैसे जैसे झटके दिए हैं और चीन का हर अनुमान गलत साबित किया है। चीन ने कहा था कि भारत बिना चीनी सामानों के रह ही नहीं सकता, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि चीन गिड़गिड़ा रहा है कि प्रतिबंध हटा लो। वहीं भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ चुका है। चीन को अब अपने हथियारों के बाजार में भी भारत से खतरा नजर आने लगा है। वैसे अगले 5 सालों के लिए भारत ने जो प्लान बनाया है उसके अनुसार भारत में $150 अरब के हथियार खरीदे जाएंगे और वो भी अत्याधुनिक, यानी सेना का मनोबल और सेना की शक्ति चरम पर होगी। वैसे भी रूस ने भी अपनी अर्थव्यवस्था हथियारों के दम पर ही दुरुस्त करी थी और वही नक्शे कदम अब भारत भी उठा रहा है। वैसे भी आने वाले दिनों में भारत को सशक्त होने की बेहद जरूरत है क्योंकि उसके पुराने दोस्त ईरान भी अब धीरे धीरे चीन की तरफ होते जा रहे हैं और ईरान में नया बदलाव देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें, भारत और ईरान के बीच एक तरफ से तेल का तो दूसरी तरफ से चावल और चाय पत्ती का व्यापार होता था, लेकिन अब यह व्यापार दोनों ही तरफ से मंदा होने लगा है। जहां एक तरफ भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो वहीं अब ईरान ने भी धीरे धीरे चाय और चावल को बंद करना शुरू कर दिया है। वैसे ये आने वाले डूबते हुए रिश्ते को भी दिखा रहा है। जिस तरह से चीन की नजदीकी बढ़ती जा रही है ईरान की, वैसे वैसे भारत के साथ उसके रिश्ते खट्टे भी होते जा रहे हैं। अभी जो व्यापार हो रहा है वह काफी कम हो गया है और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि यह व्यापार बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाए। जिस तरह से चीन और ईरान के बीच एक बड़ा डील हो रहा है, वह डील आने वाले समय में भारत को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। ऐसे में भारत को हर क्षेत्र में खुद को मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी तरफ तुर्की को भारत ने हड़काया। मामला था 370 का, जिसको लेकर तुर्की ने हाल ही में बयान दिया था और उसके बयान के बाद भारत ने कहा कि जो चीजें ना जानो उसके बारे में बोलना जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर बीते दिनों तुर्की की ओर से दिए गए बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत, पक्षपातपूर्ण और गैर जरूरी बताया। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि तुर्की भारत के आंतरिक मामलों में तब दखल दे जब उसे यहाँ की जमीनी हकीकत का पता हो। दरअसल बीते दिनों तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने कश्मीर की तुलना फलिस्तीन से की थी और भारत पर कोरोना के दौरान कश्मीर में गलत करने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद भारत की तरफ से जवाब दिया गया तुर्की को।